हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पर हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोगों को लेके और क्षार सुत्रा को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं, जो भी पेशेंट्स दिखाने जाते हैं सभी डॉक्टर ये बोलते हैं कि भाई आपको सिकाई करनी है, सुबह शाम सिकाई करनी है, और सिकाई के लिए कोई बीटाडीन सॉल्यूशन देता है, कोई सेवलोन देता है, कोई पोटेशियम परमैंगनेट भी देते हैं। बहुत से डॉक्टर ऐसे भी हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट की भी सिकाई कराते हैं। जैसे अभी हम हैं तो हम फिटकरी के पानी की सिकाई कराते हैं। तो अब पेशेंट को कम से कम सिकाई का तो चलो पता लगा कि सिकाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि सिकाई करनी है तो कब तक करनी है, सिकाई करने के लिए जो आप जो भी उसके अंदर डाल रहे हो पानी के अंदर, वो फिटकरी हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, या सॉल्यूशन किसी भी तरह का बीटाडीन सॉल्यूशन है, सेवलोन है, डिटोल है, कुछ भी हो सकता है, तो वो डालना कब तक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सिकाई करने को बोलते सब हैं लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सिकाई कैसे पानी से करनी है, ये जो सॉल्यूशन आपको डालना है कब तक डालना है और कितने लंबे समय तक आपको सिकाई करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने सोचा कि आज चलो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी पेशेंट्स के लिए जो भी मलद्वार के पेशेंट्स हैं या मलद्वार के रोगों से ग्रसित है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये तो सबको पता है कि मलद्वार के किसी भी तरह के रोग में सिकाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अब डॉक्टर सभी बोलते हैं कि सिकाई करो, सुबह शाम सिकाई करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताऊं आपको कि सिकाई करने के दौरान किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि जब भी आप सिकाई करो तो पानी आपका बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से पेशेंट्स बहुत ज्यादा गर्म पानी के अंदर बैठ जाते हैं जिसकी वजह से उनको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं या उनकी स्किन सेंसिटिव होने की वजह से वो वहां से बर्न कर जाती है। एक बीमारी का इलाज करने गए, दूसरी बीमारी को लेके आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहला पॉइंट जो मैंने बताया है कि पानी बहुत ज्यादा गर्म बिल्कुल ना ले, ठीक है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्ले जो करता है, फिटकरी के पाउडर को आप बना के रखो, सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक, सबसे अच्छा आयुर्वेद का एंटीबायोटिक फिटकरी को माना जाता है, एलम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप किसी भी तरह के सॉल्यूशन, बीटाडीन, डिटोल, सेवलोन, इनको सबको साइड में रखो, सबसे बेस्ट है फिटकरी। फिटकरी का पाउडर, फिटकरी कहीं से मिल जाती है, पंसारी दुकान से, किसी भी कलर की हो, व्हाइट हो या पिंक हो, उसका पाउडर बना के रखो। एक चौथाई चम्मच से आधा चम्मच गुनगुने पानी के अंदर, 8 से 10 लीटर पानी के अंदर जो आपने टप के अंदर रखा है जिसमें आप सिकाई करोगे, उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिला के तब उसके अंदर 5 से 10 मिनट बैठना है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि सबसे अच्छी चीज फिटकरी है मलद्वार के रोगों में सिकाई करने के लिए। अब यह भी नहीं है कि फिटकरी, मैंने बता दिया था कि फिटकरी परमानेंट सॉल्यूशन है, कि फिटकरी ही करते रहो, फिटकरी की सिकाई परमानेंट करते रहो। उसकी वजह से भी कभी कभी पेशेंट को सेकेंडरी इंफेक्शन बन जाते हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन बन जाते हैं। इसलिए फिटकरी की सिकाई तब करो जब आपको बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती हो, मतलब आपको खून बहुत ज्यादा गिरता हो, आपको बहुत ज्यादा दर्द होता हो, तो फिटकरी के पानी की सिकाई बहुत अच्छी है। लेकिन जब आपको किसी, जैसे आप भगंदर का ट्रीटमेंट करा रहे हो, आप पाइल्स का ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो उस टाइम आपको ब्लीडिंग वगैरह नहीं है, दर्द वगैरह नहीं है, तो उस टाइम आप केवल नॉर्मल गुनगुने पानी की सिकाई कर सकते हो, उसके अंदर कुछ भी डालने की आपको नीड नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला क्या कि बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना, दूसरा पॉइंट कि किसी भी तरह के सॉल्यूशन वगैरह को सबको साइड में रखो, फिटकरी सबसे बेस्ट है। और फिटकरी यूज कब तक करनी है, जब तक आपको ब्लीडिंग होती हो, जब तक आपको बहुत ज्यादा दर्द बनता हो। अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो फिटकरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए प्ले करती है
की फिटकरी एक ब्लीडिंग को मतलब रक्त के प्रवाह को रोकने का भी काम करती है, जो हमारी कैपिलरीज ओपन होती है उनको संकुचित भी करती है। तो बेनिफिट आपको डबल मिला, एक तो आपकी ब्लीडिंग को चेकआउट करने का काम करती है फिटकरी, एक एंटीसेप्टिक का काम करती है। आपने देखा होगा बहुत से नाई जो बार बार होते हैं वो सेविंग करने के बाद लगाते हैं ना चेहरे के ऊपर, कोई कट लग जाता है तो फिटकरी लगा देते हैं। ब्लीडिंग को चेकआउट करने का सबसे अच्छा जरिया फिटकरी है। जब आपके सिम्टम सबसाइड हो तो आप फिटकरी को बिल्कुल साइड में रख दो, केवल नॉर्मल गुनगुने पानी के अंदर सिकाई करो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था वो केवल ये था कि आपको कम से कम ये तो पता लगे कि मेरे को सिकाई करनी है तो किस तरह के पानी से करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिकाई के अंदर क्या चीज करती है प्ले। ठीक है, तो ये मेरा आज का जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया है और डिटेल में समझाया है। इसके अलावा आपको सिकाई की कोई बहुत ज्यादा लंबी नीड नहीं है। हाँ, अगर आपको हाइजीन के प्रॉपर रूप से ख्याल रखने के लिए सिकाई करना है तो केवल गुनगुने पानी से आप मलद्वार को वॉश कर सकते हो, लंबे टाइम तक सिकाई करने की कोई भी नीड नहीं होती। जब तक आपका ट्रीटमेंट चलता है तब तक आप गुनगुने पानी के अंदर बैठ के सिकाई कर सकते हो, कुछ भी उसके अंदर डालने की नीड नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग है या बहुत ज्यादा दर्द है तो आप फिटकरी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि जिस तरह से आप परेशान हो सकता है कि कोई आपका पड़ोस का या कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका नोन, वो भी परेशान हो, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी होती हैं इसके अंदर ओपनली आप बोल नहीं पाते, थोड़ा साई फील करते हैं पेशेंट, तो इसलिए हमारी वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।